ये जो गली जा रही है ना, ये है ले की मेन मार्केट। और तो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ निशांत और आज है मेरा डे टू लद्दाख में और टेम्परेचर है यहाँ का -19। ठंड बहुत ज़्यादा है और धूप निकल रही है लेकिन फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी सुबह के करीब 10 बजने वाले हैं और यहाँ से देखो धूप बहुत तेज़ है और ये सारी जो है बर्फ़ थी जो पिघल रही है धूप से, लेकिन अभी भी -19 टेम्परेचर है। रात को तो -21 था और ट्राईपॉड भी मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा है, इतना ठंडा है। क्योंकि अभी ये जल नहीं रहा है, ये जल रहा होता है तो कमरा गर्म रहता है। तो अभी 9:45 हो गए हैं, उठते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर देखते हैं ब्रेकफास्ट का क्या करना है और आज क्या करना है वो सब भी दिखाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ले की बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। अभी चलते हैं फ्रेश होने। तो ये है टॉयलेट, देखो यहाँ पर बर्फ जमी हुई है और ये देखो इसके अंदर पानी है जमा हुआ है। मतलब टॉयलेट यूज करने के लिए भी पानी गर्म करना पड़ेगा पहले। सब जम गया। A few minutes later. तो रेडी हो गए हैं फ्रेश होके, अभी जा रहे हैं विक्सन बाइक के ऑफिस। हेलमेट ले लिया है आज, तो अगर बाइक स्टार्ट हो गई तो आज बाइक पे घूमेंगे, देखते हैं बाकी क्या होता है। और मेरे साथ है पीछे ईशे भाई, ये रिक्सिन भाई के भाई हैं। आज तो बादल हो रहे हैं, आज पूरा मौसम पैक है। Oh, this is adventure. Top, oh. अरे यार तो लाइन लगी हुई है बाइक्स की। आप पेच दे दोगे वहां से मुझे? पेच? पेच कस। कौन सा? तो ये वाला। हाँ ये वाला। जाम हो जाए ना, पत्थर बना पड़ा भाई। करीब आधा घंटा हो चुका है और ये बैटरी इसके अंदर फिक्स नहीं हो पा रही है, सब कुछ हार्ड हो चुका है ठंड की वजह से। तो अभी किसी को बुलाया है? मेरे फ्रेंड को बुलाया हुआ है, वो बैटरी खोलते रहता है। अच्छा उस चीज में एक्सपर्ट है। तो ये देखो रोड का हाल क्या है, यहाँ पर सब बर्फ है। हमारे एक्सपर्ट भैया है, टाशी भाई। बैटरी एक्सपर्ट इनका बैटरी का स्टोर है बड़ा सा यहाँ पे। मेरे साथ है ताशी भाई, इन्होंने फिट करी बैटरी, हम लोगों से तो हो नहीं रही थी। और ईशे भाई अभी गए हैं थोड़ा वार्म अप करने इसको और फिर बाइक पे घूमते हैं। कुछ लोग दावा के रखते हैं ना फिर डिस्क खत्म हो जाए।
ठीक है ओके सेपरेट बाय बाय भाई फाइनली बाइक मिल गई थोड़ा माउंट का एडजस्टमेंट गड़बड़ है तो भी उतारनी पड़ेगी यार आप डाल दो उसमें 300 का डाल दो कितना ठंड में बाइक कर हाँ ये मैं बहुत ठंड में हाँ जी वो चल रहा है हवा का सूरज भी नहीं निकला आज ये पहले से जाना है अपने को ये कौन सी रास्ता है लिंक रोड टू सेमो गुम्पा यही होगा शायद रास्ता उधर तो खड़दुंगला जाएगा शायद इसी पे जाना है थोड़ा बर्फ है नहीं है डूब जाएगा बर्फ है रास्ता तो यही है शायद काल तो ली वापिस भी आना है ये नहीं है ये देखो ले सिटी ओफ भयंकर है यार ठंड हाथों की हालत देखो वो जो सीधी रोड उधर जा रही है शायद उधर से होगा इधर से तो नहीं है तो कोई गोम्पा का रास्ता था गोम्पा में बंद ही हो गई शायद अभी ले पहले से ही चलते हैं वापस घुमाओ ये देखो यार सब वाइट है भयंकर ठंड है चलते हैं
ठंड तो भयंकर होती है यहाँ पर। और रास्ते देखो, वो है ले पैलेस यार, उधर बहुत बर्फ है रोड पर, तो मुझे नहीं लगता बाइक लेके मैं जा पाऊँगा। कोई दूसरा रास्ता देखता हूँ नीचे जाकर वापस, खुला होगा अगर, वरना इधर से तो चढ़ पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये देखो रोड ऊपर जा रही है, जो इधर से नहीं जा सकता मैं। तो पहुंच गया हूं मैं ले पैलेस, और ठंड का आलम ज़बरदस्त ख़तरनाक है एकदम। चलते हैं अभी अंदर। मैं हूँ अभी ले पैलेस के अंदर, और यहाँ से जो व्यू है पूरा ले सिटी दिखता है, तो बहुत ही शानदार नज़ारा है। ठंड बहुत ज़्यादा है तो पूरा पैक्ड हूँ मैं इस समय, बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं मैंने गर्म। और यहाँ से देखो बाहर, ये जो गली जा रही है ना, ये है ले की मेन मार्केट, और ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जो ये मिट्टी के घर बने हुए हैं, तो ये जो मिट्टी के घर बने हुए हैं, ये है ओल्ड सिटी, मतलब पुरानी जो ले सिटी थी वो ये थी। और इधर जो है आगे डेवलपमेंट हो गया है बहुत, वहाँ तक फैल गई है। तो पैलेस के अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं, बस बिल्डिंग जो है बहुत ही अच्छी बनी हुई है, और जो यहाँ से व्यू है उसका क्या ही कहना। ये देखो, तो व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ से। और अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, ठंड हो गई है बहुत, खाली है पूरा ले पैलेस, खाली है, कोई टूरिस्ट भी नहीं है, एक आधा दो है। तो चलते हैं अब यहाँ से वापस अपनी बाइक की तरफ, और निकलते हैं घर की तरफ, मतलब जहाँ से चले थे वहाँ पे वापस चलते हैं बाइक उठा के। 3 बज चुके हैं, भूख भी लग रही है, ठंड भी लग रही है। A few minutes later. तो मैं हूँ अभी बॉम्बे चाट सेंटर में, ये पेट्रोल पंप के सामने जो गली है, मतलब गली का रोड है, उस रोड में है। और अभी मैंने ऑर्डर किया है मटन मोमोज, वो इसलिए किया है क्योंकि और कुछ है नहीं, सिर्फ मोमोज अवेलेबल हैं और मटन वाले वो भी। तो मोमोज खाते हैं, देखते हैं कैसे हैं, आई होप अच्छे होंगे। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा, 3:30 बज चुके हैं। लाओ मैं ले जाता हूँ। तो ये रहे भाई अपने मटन मोमोज, एक मोमोज फट गया, कोई बात नहीं,
ये भी जम गई क्या? जम गया अभी, जल्दी जल्दी जम गई। चटनी भी जम गई है। हाँ ठंड बहुत है आज। Approximately 10 hours later. कल जब मैं वहाँ से आया था तो वहाँ से आने के बाद हमने कुछ नहीं किया, हम बैठे रहे यहाँ पर ही अंदर और खाना खाया और मैं सो गया फिर जल्दी। कल जल्दी सो गया था तो अब जल्दी उठ गया। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पे सब वाइट हो चुका है। रात को स्नोफॉल हुआ है थोड़ा सा, बहुत हल्का हल्का स्नोफॉल हुआ है, तो ये सब देखो वाइट है यहाँ पर। इधर देखो, अभी ठीक से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं, मैंने शूज़ भी नहीं पहने हुए, मतलब सॉक्स में हूँ मैं बस, तो बाद में दिखाऊंगा। तो कल का वीडियो था जो आज कंटिन्यू हो रहा है। अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं। तो अभी इसके आगे बैठा हुआ हूँ मैं, अभी चालू किया मैंने, अभी 8:30 बज रहे हैं, रिगजिन भाई और ईशे भाई सो रहे हैं अभी, तो थोड़ी देर में उनको उठाता हूँ। बहुत ठंडा है, अभी 5 मिनट के लिए बाहर गया था, उंगलियों की बैंड बज गई, 5 मिनट भी नहीं, 2 ही मिनट गया हूँ, जितनी देर व्लॉग में दिखाया उतनी देर ही गया था बस। बहुत ज़्यादा ठंडा है, आप सोच रहे होंगे मैं हर वीडियो में यही दिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है एक्चुअल में यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वही मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कितनी ठंड पड़ती है और लोग कितनी मुश्किल से यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। अभी आज थोड़ा सा स्नोफॉल हुआ है, देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है। तो ये ले पैलेस वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना अगर अभी तक नहीं दबाया है तो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो क्योंकि जो लेटेस्ट स्टोरीज़ है वो सारी मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है, टाटा बाय बाय। आगे की कहानी जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में होगी, जिसमें हो सकता है आज मैं खड़दुंगला जाऊँ तो आपको पता लग जाएगा, देखते रहना वीडियोस। फिलहाल अभी इतना ही है, टाटा बाय बाय।